दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दीपेश जी हैं, जिनके की ACL की इंजरी हो गई थी। इनका हमने अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में इलाज किया है और हम जानते हैं कि इनका ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, कैसे ये हमारे संपर्क में आए, कैसे इनका ऑपरेशन हुआ और अब इनको कैसा फील हो रहा है। दीपेश, आपको घुटने की जो चोट थी वो कब लग गई थी? सर, इस बात को कम से कम 4.5 महीने हो गए। 14 अक्टूबर के आसपास, अगर आपको डेट फिक्स बताऊं तो 4.5 अक्टूबर को मैं स्टेयर से गिर गया था, तो मेरा पैर बुरी तरह से मुड़ गया था। अच्छा, इस वजह से मैं इंजर्ड हो गया था सर। तो अभी जब आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज़ साफ आए। तो दीपेश, जब आपको इंजर्ड हुए तो आपको ACL चोट लगी, ऐसा कैसे पता चला? नहीं सर, मुझे पता नहीं लगा। मैं थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी मेरे नी में। उसके बाद में मैंने दिसंबर में इसकी वो करवाई MRI। तो MRI करवाने के बाद में मुझे पता लगा कि मुझे ACL भी है और 2-3 इंजरीज और थी। तो फिर सर मैं MRI आपके पास आया। आपको क्या दिक्कत आती थी जब आप चलते थे, फिरते थे, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, मतलब अनस्टेबिलिटी रहती सर नी में। थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था कि मैं रनिंग कर सकता हूँ, इस तरीके से रहता था सर। आपको मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? सर, मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था कि ACL होता क्या है, कैसा क्या है। तो आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे सर यूट्यूब पे, तो वो मैं देख रहा था। ऑपरेशन के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने ऑपरेशन की लाइव सर्जरी देखी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? काफी सारे लोग ऑपरेशन के नाम से डरते हैं कि पता नहीं कितना दर्द होगा, क्या दिक्कत आएगी, तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? नहीं, मेरा ऑपरेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब सर ने, डॉक्टर नवीन शर्मा ने मुझे इतना अच्छा समझाया कि देखो तुम्हारा ये ACL है, इसको मैं ऐसे, ये ऐसे डैमेज है, इसको मैं ऐसे रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे पूरा ऑपरेशन समझा के उन्होंने किया, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इस चीज़ से। तो अगर कोई ACL का पेशेंट है और परेशान हो रहा है तो आप क्या रिकमेंड करोगे उसको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जैसे जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे, तो आप एक बार जरूर नवीन शर्मा सर से मिलिए। तो दोस्तों, आज इनके ऑपरेशन को 48 आवर्स हो चुके हैं। अब हमने इनको बेसिक एक्सरसाइज सिखा दी है, जिसमें एक बार इनको पंजे को ऊपर नीचे करना है, एक घुटने को नीचे दबाना है, ये वाली, एक सीधे लेट के, और आपको पैर को एक बार लेट जाइए, एलिवेट, हाँ पैर एलिवेट करना है, आप लेट जाओ। अब सीधा ऊंचा उठाने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग इस पैर को सीधा ऊंचा नहीं उठा पाते, उन्हें एक दो दिन लग जाते हैं, लेकिन ये अच्छा पैर उठा पा रहे हैं। तो दीपेश, ये सिंपल एक्सरसाइज है जो आपको पूरे आने वाले 2 महीने करनी है। 17 दिन बाद आपके स्टिच निकाल दिए जाएंगे, और जो आप वॉकर की सहायता से अभी आप चल सकते हैं, 15 दिन बाद आप पूरा वजन लेके चल सकते हैं। तो हम पूरी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जाने वाली मैं करूंगा, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों।